नमस्कार दोस्तों, सांदकफू फालूट सीरीज का तीसरे दिन का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर है। होप यू ऑल आर वेल। चलिए शुरू करते हैं। सांदकफू और सनराइज होटल को अलविदा करते हुए हम निकलेंगे फालूट की तरफ। होटल मैनेजर राज भाई हमको गुड बाय करने के लिए आए। थैंक यू राज भाई फॉर योर सर्विस। पहले आपको ये बता दें कि जिन्होंने हमारा फर्स्ट डे और सेकेंड डे ट्रेक का वीडियो नहीं देखा वो उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखे, ताकि हमारा प्लान का डिटेल आपको भी पता चले। सांदकफू से फालूट चलते चलते एक बात आप सबके साथ शेयर करने का ख्याल आया। बहुत सारे लोग सांदकफू से वापस चले जाते हैं, लेकिन इस जगह का असली मज़ा सांदकफू के बाद फालूट चलने में है। क्यों? इस क्यों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सांदकफू से फालूट का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर, इसलिए सांदकफू से जल्दी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सांदकफू से निकलने के बाद आपको खाना मिलेगा 15 किलोमीटर दूर चलने के बाद मौले नाम का एक जगह में। यहाँ एसएसबी का एक चेक पोस्ट है, यहाँ परमिट चेक होता है और खाना भी मिलता है, इसलिए कुछ ड्राई फ्रूट और पानी आपके पास होना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फालूट नाम का अर्थ है फाक लुक, यानी बैरेन पीक। रास्ते में चलते चलते बहुत सारे कटा पेड़ मिलेगा जो बूढ़ा होने पर हवा के स्पीड से टकरा कर नीचे गिर पड़ते हैं। हवा का स्पीड भी यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा। चलते चलते आपके साथ मुलाकात होगा एवरेस्ट माकालू लोटसे पर्वतों के साथ, जो रास्ते के बाएं तरफ से आपको गाइड करेगा, और सीधा आपको दिखेगा कंचनजंघा जो बाहें फैलाकर आपको स्वागत करेगा। जिस जंगल से हम अभी चल रहे हैं वो रोडोडेंड्रॉन का है। अप्रैल मई में आने से आपको यहाँ रोडोडेंड्रॉन भरा हुआ मिलेगा। एक
जरूरी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। फालूट में रहने के लिए एक GTA का गेस्ट हाउस है जहाँ 15-20 लोग रह सकते हैं और एक छोटा सा होमस्टे मिलता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, इसलिए हमको ना के बराबर जलता हुआ एक बल्ब मिला और वो भी घर पर नहीं, डाइनिंग रूम में जहाँ बैठकर लोग खाते हैं। इसलिए आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए और होना चाहिए सोप पेपर या शैम्पू। रहने के लिए बुकिंग भी आपको आगे ही करना है, क्या पता फिर आकर यहाँ घर ना मिले। यहाँ से शुरू होता है एक बहुत बड़ा बुग्याल। ये बुग्याल इस ट्रेक का सबसे खास जगह है जहाँ बैठकर आप मंत्रमुग्ध होकर कंचनजंगा, एवरेस्ट, माकालू पर्वतों को देख सकते हैं। हमको तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, 15-20 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोग ये रास्ते लैंड रोवर में जाते हैं, पर अगर आपको इस जगह का असली मज़ा लेना है तो आप लैंड रोवर नहीं, पैदल चलिए। फालुट वेस्ट बंगाल का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है, पहला तो सांदकफू है और तीसरा हाईएस्ट पॉइंट भी आपको इसी रास्ते में मिलेगा जिसका नाम है सवरग्राम। सांदकफू फालुट एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का 5 सबसे ऊंचा पर्वतों में से 4 दिखाई देता है, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकालू और लोट से। लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं खूबसूरती देखने के लिए, मगर हाथों के सामने ऐसी जगह देखकर हर कोई आनंद महसूस करेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के ठीक पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
चलते चलते थका हुआ कुछ लोग विश्राम करने लगे हैं। यहाँ 10 मिनट विश्राम के बाद फिर से चलना शुरू। ऐसा शॉर्टकट में चलने का मजा ही कुछ और होता है। ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें हर एक जगह में फोटो खींचने को या वीडियो करने को जी चाहता है, जैसे कि ये जगह जहां बहुत ही बड़ा भुगियाल है। ये एक लैंड रोवर है जो पैसेंजर को फालुट पहुंचाकर सांदकफू वापस लौट रहे हैं। फालुट का जीटीए बांग्लो बुक करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मानेभंजन का चंदन प्रधान जी के साथ। स्क्रीन के नीचे प्रधान जी का नंबर दिया है, या मेल करके देख सकते हैं नीचे दिए गए मेल आईडी पर। और भी एक एड्रेस हमको मिला जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने शेयर किया, आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि ये एक ग्रासी लैंड है, इसलिए यहाँ बहुत सारे घोड़ा मिलेगा जो घास खाते हुए नजर आते हैं। ये है एक शहर में रहने वाला आदमी का खुशी, जो इन खुले प्रकृति को देखकर और एक दिन में 21 किलोमीटर चलकर प्राप्त करते हैं। यही है 21 किलोमीटर पैदल चलकर फालुट पहुंचने का खुशी। यही है फालुट का जीटीए बांग्लो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के ठीक पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो दोस्तों मिलेंगे फालूट सनराइज और गोरखे तक का जर्नी लेकर अगले एपिसोड में। थैंक यू, फिर मिलेंगे, गुड बाय।